वहीं बढ़ते आगे खबर अब उज्जैन से मिल रही है, जहां महाकाल वन की मिट्टी और महाकाल की भस्म अयोध्या भेजी गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मिट्टी और भस्म भेजी गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए पूजा में यह इस्तेमाल होने वाली है। मिट्टी, भस्म और शिप्रा का जल विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया। तो 3 तारीख को जल, मिट्टी और भस्म से पूजन होगा। तो महाकाल वन की मिट्टी और महाकाल की भस्म अयोध्या भेजी गई है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मिट्टी और भस्म भेजी गई। 3 तारीख को जल, मिट्टी और भस्म से भूमि पूजन होगा। राम मंदिर निर्माण के लिए पूजा में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। संतोष हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, आखिर ये कितना महत्व रखती है, महाकाल वन की मिट्टी और महाकाल की भस्म अयोध्या भेजी गई है? बिल्कुल करिश्मा, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के इष्ट देव है राम भगवान, और राम भगवान के इष्ट देव है भोलेनाथ शंकर भगवान। तो इन दोनों का जो मिलन हुआ था, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहिए, जब मैया सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ जब वनवास के लिए गए थे, तो सबसे पहले वो उज्जैन की नगरी आए थे। उज्जैन नगरी में ही उन्होंने शिप्रा किनारे उन्होंने नहान भी किया था। उसके बाद शिप्रा किनारे से होते हुए ही वनवास के लिए गए थे। तो तब से ये राम और महाकाल का एक मिलन हुआ था। मिलन के अनुसार पवित्र नगरी भी कहा जाता है, और राम और महाकाल का एक अनंत जो पुराणों में और ग्रंथों में लिखा गया है कि महाकाल से अति प्रिय थे राम, और राम को अति प्रिय थे महाकाल। तो इस प्रकार, और जब यहाँ के जो संत समाज है उन्होंने भी एक निर्णय लिया था, और राम मंदिर का जो भव्य सपना था अब वो साकार होने जा रहा है। तो उसी के तारतम्य में बाबा महाकाल की जो सबसे प्रिय भस्मी रहती है, उसको आज महंतों द्वारा, जो महंत पंचायती माने माने अखाड़े के जो महंत है, उन्होंने विधि विधान के साथ भस्मी एक कलश में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सौंपी, और वो यानी शिप्रा का भी जल उनको सौंपा है। और ये कार्यकर्ता जो विश्व हिंदू परिषद और संघ के जो कार्यकर्ता यहाँ विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक कर यहाँ से सौंपी गई है, और वो 3 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे, जहाँ 3 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, तो 3 तारीख को जल, मिट्टी और भस्म से इसका पूजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।